परेशान हो रही है। ओह भगवान, सुबह ऐसे 7 बजे। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल की सिना व्लॉग्स। और आज है नवरात्रि का day 1 और मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी, मेरी दीदी भी हो चुकी है नहा के रेडी। आज से हमारे व्रत शुरू होंगे और मुझे नहीं पता कौन कितने व्रत कर रहा है, बट मैंने तो सुबह से व्रत करने के अलावा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक फूल माला लेकर गई। बाकी सारा धुलाई पुछाई दीदी ने ही किया है और अभी भी वो पूजा के ही बर्तन धो रही है, तो आप मेरी दीदी की बैक साइड देख सकते हैं। और बाकी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं हमारे घर में, हम लोगों ने सारा सामान धो वो के रख दिया है, जैसे कि हमारा पाटा, फूल, आम के पत्ते, सब कुछ रेडी है। बस हम लोग माता रानी की स्थापना करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे अपनी पूजा आरंभ। और तो ये रही मेरी दीदी, आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। दीदी आजकल व्लॉग्स में भी नहीं आती, एकदम सेलिब्रिटी गेस्ट की तरह। मुझे बुरी लग रही है। तू है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पता मैं अपनी दीदी को बहुत मिस करती हूँ आजकल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी के हिस्से का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है इसीलिए। हाँ, पहले मैं आती थी ना स्कूल से तो बर्तन धुले हुए मिलते थे, घर में झाड़ू लगा हुआ मिलता था, अब वो सारा काम मुझे करना पड़ता है, प्लस मुझे बहुत काम होता है, दीदी बहुत थकी हुई आती है। तो दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी इस बिजी लाइफ के बारे में? नहीं। आर यू हैप्पी? नो। क्यों? क्यों और कौन होता बिजी लाइफ से खुश? बट उससे तेरा फ्यूचर तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, फ्यूचर तो अच्छा होगा ही, वो तो पता है मुझे, लेकिन बस स्ट्रगल नहीं करना। नहीं तो ऐसे ही थोड़े डिप्लोमेटिक से जवाब देती हुई मेरी दीदी। और इयररिंग्स ऑफ द डे है ये। अभी बस सारी तैयारी हो चुकी है, बस मम्मी कलश पे नारियल और लाल कपड़ा लाएंगी, उसके बाद हम लोग स्थापना करेंगे। और आज संडे था, थैंक गॉड आज संडे था, थैंक गॉड, वरना तो भाई साहब अभी क्या टाइम हो रहा है, 10:15 हो रहा है, हम लोग तो घर में दिखते भी नहीं। संडे ना होता तो सफाई होती, सफाई हुई है, सुबह उठ के भी बहुत सफाई हुई, पापा मम्मी दीदी ने बहुत सफाई की। और मैं बताऊँ आप लोगों को, दीदी अपने कोचिंग में, मैं अपने स्कूल में, पापा अपने ऑफिस में, सब अपनी अपनी जगह पे होते, क्योंकि कितना लेट कर सकते हो आप, कितना लेट जाओगे। आजकल तो स्कूल में इतनी सारी एक्टिविटीज एंड सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन हो रही है, उफ भगवान, सुबह ऐसे 7 बजे ही थोड़ा बहुत अगरबत्ती दिखाते, स्थापना करते फटाफट और भागते हम लोग तो छड़छड़ ही ले। पर अब तो थोड़ा सा आराम है, अभी तो 10:15 हो रहे, आराम आराम से काम चल रहा है एकदम मस्त मक्खन की तरह, वरना यू 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 होता। थैंक गॉड आज संडे, पता है नवमी वाले दिन मंडे, अष्टमी वाले दिन संडे। और मेरी मनीषा मैम भी ना अष्टमी वाले दिन करती हैं, तो उनको तो मस्त है, वो तो संडे को आराम से अपना काम करेंगी, और नौवीं वाले दिन मेरी रेल बनेगी ना, जो वो दुनिया ही देखेगी फिर। आजकल तो ना मेरी गला भी बैठ गया है, लगता है पता नहीं कैसे बैठ गया, चिल्ला चिल्ला के बैठ गया है, कैसे बैठ गया, वैसे तो हम चिल्लाते भी नहीं है ज़्यादा, शायद मौसम चेंज होने से गला बैठ गया है, वरना मेरी आवाज़ एकदम कोयल की तरह है, कू कू। फाइनली मम्मी 1 घंटे में आ ही चुकी हैं, पता नहीं क्या ही ऐसी शॉपिंग कर रही थी, मुझे सामान तो दिख नहीं रहा कुछ भी, पर ये घंटा नेट कौन लगाता है यार ऐसा सामान खरीदने में, 2 मिनट का काम है, एक पेपर दो, एक नारियल दो, एक चुन्नी दो, बस। क्या हमारे लिए बैठा है वो, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, कम से कम 50 लोग खड़े हैं। 50 लोग खड़े हैं, जाके देख क्या, टोकरी में अपना अपना सामान छाट के रख रहे हैं सब। 50 लोग, मैं जब गई थी तब तो बहुत कम। हाँ तो संडे है ना, अब आ रहे हैं आराम से। कब से ना पाटा ही सजाए जा रही है, तो मैं तो थक गई, मैं तो लेट गई यहीं पास में, और वहाँ पे मेरी दीदी भी लेट गई यहाँ। ना कुछ दूर में आधा पलट रही हूँ, हाँ, ना कुछ करने दे रही है, ना कुछ कर, तो बैठे बैठे इंसान क्या करेगा। हाँ नहीं तो मैं तो लेट गई, अपना आराम से छोड़ो जाए सब कुछ। अभी पता है मुझे कितना काम है, ये क्या कर रही हूँ मैं। हमारे कोने में ना लाइट नहीं है, तो दीदी ना फ्लैश लाइट ऑन कर रही है अपनी मम्मी के लिए। बंद कर इसे,
अपनी क्या है, तो मेरी भी मम्मी है, पर मैं अपनी मम्मी को मम्मी नहीं मानती। वो होता है ना बॉलीवुड मूवीज में, मैं आपको माँ नहीं समझती हूँ, माँ आप मेरे लिए माँ नहीं है। और यहाँ पे मम्मी की चप्पल आती है जोरों से, यहाँ पे हम ऐसे बोले आज का खाना बंद है तेरा। हम बोलते मम्मी क्या यार आपको पता नहीं है क्या कि मुझे क्या चीज नहीं पसंद, तो फिर आती है शुरुक 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 चप्पल। अभी जय अम्बी गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस जय अम्बी गौरी मांग सिंदूर विराज की। हमारी आरती कंप्लीट हुई है फाइनली, और अभी हम लोगों ने आरती वरती दिखा ली है, मम्मी पूरे घर में आरती की जोत दिखाएंगी, और अभी थोड़ा चाय वाय बनाएंगे, थोड़ा पियेंगे। और मैं बता दूं कि मेरे 9 व्रत हैं, मेरे 9 व्रत हैं, मेरे को पूरे 9 रखने हैं व्रत। मुझे मीठे पे रखने थे बट वो तो थोड़ा मुझे छूट मिल गई कि मैं नमक पे रख सकती हूँ। और आज मीठे वैसे भी यार बहुत सारे लोग ना सोचते हैं कि मैं बहुत वेली रहती हूँ, और ये मैं किन लोगों की बात कर रही ना ये समझ जाएंगे लोग कि मैं किन्हें बोल रही हूँ। तो मैं बताती हूँ, मैं बिल्कुल भी खाली नहीं रहती, मेरे घर में बहुत काम होता है। ठीक है, मेरे व्रत का पहला मील लेने जा रही हूँ जो कि है ये ऑरेंज, क्योंकि मुझे सुबह सुबह कुछ मीठा खाने का मन नहीं करा, तो थोड़ा सा सिट्रस टाइप का हो जाएगा। अभी मैं खा रही हूँ व्रत के चिप्स, मम्मी खूब सारा ला के रख दिए कि खाओ। देखो अभी भी आके, वैसे मेरी मम्मी कहती है तुम बहुत वो करते हो नमक खाते ना, खुद ही ला ला के देती है कि खा लो ये खा लो वो खा लो, फ्रूटी वगैरह भी ला के भर दी है मेरी मम्मी की, क्योंकि उन्हें पता है कि व्रत किसने रखा है, उनकी छोटी भूखी बेटी ने। तो मैं दिन में एक बार नमक नहीं खाती, कि मैं नमक पे करती हूँ, मैं नमक खाती ही खाती हूँ, क्योंकि यार मुझे बहुत काम होता है, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो काम वाम कुछ नहीं करते, एक बार नमक खाते हैं, मुझे बहुत एनर्जी चाहिए होती है। और क्या देर बाद गई थी मैं कीर्तन में, और ये लड़की है इसने बोला दीदी आप व्लॉग बनाते हो ना, वैसे ही हमारे इधर ही रहती है, मैं आपके सारे व्लॉग्स देखती हूँ, आप बहुत अच्छे बनाते हो, तो मुझे कभी पता नहीं था कि मेरे गली वाले भी व्लॉग्स देखते हैं, ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर्स मिल जाते ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं गई थी, यहाँ पे काली माता की स्थापना हो रही थी, मुझे कीर्तन वीर्तन में जाना बहुत पसंद है, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिन्हें नहीं भी पसंद होता पर मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ पे भजन चल रहे थे, उसके बाद हम लोग गए माता रानी को फूल चढ़ाया, और सारी जो सुहागन औरतें थी उन्होंने श्रृंगार किया था, पर यहाँ पे हम लोग फूल वूल अच्छे से चढ़ा रहे थे, और प्रसाद भी बांटा, टीका भी लगाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, और इतनी अच्छी मूर्ति थी ना कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा अच्छी मूर्ति थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और बहुत शांति भी मिली, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं व्रत में हूँ, मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं घर पे आई तो अलग ही सीन था यार वहाँ, तो मैं जस्ट अभी घर पे आई हूँ, ये रहा मेरा प्रसाद, और मम्मी कब से फ़ोन कर रही थी कि कहाँ है कहाँ है। और वहाँ पे पता है मैंने सेवा भी करी, मैंने तिलक लगाया, प्रसाद बांटा, प्रसाद निकाला, तो और ये मेरी मम्मी कह रही है सुबह से कुछ खाया पिया नहीं और चली गई है, तो यहाँ पे मेरी मम्मी मुझसे रूठी हुई है। पूजा पाठ करने के बाद ना मैं नॉर्मली अपने घर में ही बैठी थी,
और जिन आंटी के घर में कीर्तन हो रहा था या मूर्ति स्थापना हो रही थी, वो मुझे बस ऐसे मतलब मैंने बोला मम्मी आ रही है, और उन्होंने मुझे बोला तेरे तू चल तू चल, मैं गई। और मैं अपने आप को इतना लकी फील करती हूँ ना, क्योंकि क्या पूजा थी यार, वो मूर्ति से लेके सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई फील वेरी लकी कि मैं यार इस दिन पे मतलब नवरात्र के फर्स्ट डे पे माता रानी की स्थापना देखने आई हूँ। और वो भी कहते हैं ना जो चीज़ लिखी होती है वो लिखी होती है, उसको आप नहीं बदल सकते। वैसे मैं लिखी थी कि मैं माता रानी का देखूं, मैं माता रानी के प्रसाद में हेल्प कराऊं, मैं तिलक लगाऊं, ये सब लिखा हुआ था। ये सब कुछ भी ऐसा नहीं होता है, और इतना अच्छा फील हो रहा है ना, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है कि पूछो मत। अरे यहाँ पे मम्मी के लिए बन रहा है चावल और चोखा, और मम्मी अभी हमें फ्रूटी देंगी, तो ये रही गिलास लेके फ्रूटी। मैंने बोला ना मेरी मम्मी ने सब कुछ इंतजाम कर रखा है, क्योंकि क्या ही कहें, तो बस ग्लास थोड़ा धो दूँ, मुझे शक हो रहा है कि झूठा तो नहीं है क्या। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे फ्रूटी दिया, मेरे को धसका सा लग गया यार, पता नहीं कैसे। तो फिर मैंने फ्रूटी व्रूटी पी के ना थोड़ी देर में सो गई थी, फिर यहाँ पे सारे झूठे बर्तन थे और मुझे ही धोने थे क्योंकि मेरी टर्न थी। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे बर्तन धोए, और दीदी मम्मी पापा गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो वो लोग चले गए थे। फिर मैंने सोचा चलो यार वो आएगी झाड़ू कब लगाएगी, इसलिए मैंने झाड़ू पोछा भी साथ ही साथ कर दिया। और बर्तन तो बहुत सारे हो गए थे, क्या ही करें यार, सारा काम देखना पड़ता है। उसके बाद किचन साफ़ किया, किचन वैसे कुछ ज़्यादा बना नहीं था, पर फिर भी बहुत ज़्यादा किचन मैसअप हो गया था। मैं जब भी काम करती हूँ ना, मैं इतना नहीं फैलाती हूँ किचन विचन, फिर भी पता है इसलिए मुझे दूसरों को काम इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, पर मैं क्या ही करूँ। फिर धीरे धीरे कोई नहीं, मैंने सारा काम किया। उसके बाद मैंने साबूदाना वड़ा बनाने के लिए रख दिया, क्योंकि सब लोग सुबह से भूखे थे, और साबूदाना वड़ा भी खाने के लिए सब लोग एकदम एक्साइटेड थे, क्योंकि मेरे हाथों का साबूदाना वड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ दी हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के ज़रूर देखना। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि आलू अच्छे से उबले कि नहीं उबले। उसके बाद यहाँ पर मैं मूंगफली रोस्ट कर रही थी, तब तक मैं उबले हुए आलुओं को छील के रख रही थी। आलू को ना अच्छे से ठंडा होने देना, वरना जैसे वो साबूदाने में अगर आप गरम गरम डाल दोगे ना, तो फिर पता है क्या होता है, वो एकदम मॉइस्चर ज़्यादा हो जाते हैं, वो अच्छे से होते नहीं है, मतलब वो बहुत गिलगिले से बन जाते हैं। फिर यहाँ पे साबूदाने को मैंने सुबह से सोख करके रखा था, उसके बाद ये सारे ठंडे हुए आलू डाल दिया, मूंगफली को जो भून के रखा था उसका ड्राई पाउडर बनाया था वो भी मैंने उसमें डाल दिया। और अगर आपका मन है तो आप इसमें थोड़ा सा अदरक और मिर्ची भी डाल सकते हो, यहाँ पर थोड़ी सी रेड चिली डाल दो और उसको अच्छे से मिक्स करो। मिक्स करने के बाद इसमें सेंधा नमक डालना है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम सेंधा नमक ही खाएंगे ना। उसके बाद हमें क्या करना है, सेंधा नमक डालने के बाद इसे और अच्छे से मिक्स करके इसके छोटे छोटे ऐसे वड़े टाइप के बना लो, जो भी साइज़ आपको पसंद है। मैंने थोड़े बड़े साइज़ भोग के लिए बनाए थे, और फिर थोड़े थोड़े छोटे छोटे मैंने खाने के लिए बनाए थे, क्योंकि सबको इतने बड़े बड़े नहीं पसंद, और मेरे घर में ऑलमोस्ट सबके ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो वो इतने बड़े बड़े साइज़ के खा ही नहीं पाते। तो एक मैंने छोटा सा जो डाला है वो चेक करने के लिए डाला है, तो वो अच्छे से हो गया, इसलिए मैंने साइड में सारा डाल दिया। और ये जो भोग का प्रसाद है सारा घी में ही बन रहा है, और ऑलमोस्ट व्रत का खाना घी में ही बनता है, तो मैं भी वही क्या बता रही हूँ, पर जो भी हम भोग का बनाते हैं वो घी में बनाते हैं, बाकी हम लोग सरसों तेल और रिफाइंड में भी बना लेते हैं, पर वो एकदम नया पैकेट होता है, वो एकदम यूज़ नहीं होता, एकदम नया नया होता है, तो उसका हमें कोई चिंता नहीं होती। फिर जैसे वो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए ना, मैंने उसे निकाल लिया, और फिर हम लोगों ने भोग चढ़ा बनने वाले हैं। ये एक बैच रेडी हो रहा है, एक बैच यहाँ पे है, और ये थोड़ा सा ना मैंने बचा लिया है, क्योंकि मेरा भाई अभी ट्यूशन गया है, तो वो आएगा तो मैं उसे गरम गरम तल के दूंगी। भोग का वड़ा रेडी है, हाँ प्लस, हाँ मैंने देखा अच्छा लगा। और ये चटनी सब रेडी हो चुका है, बस माता रानी को दीदी क्या कर रही है, आरती की थाली वगैरह रेडी करके भोग चढ़ाएंगी। और तो यहाँ पे मेरी दीदी भी सारी तैयारी कर रही है भोग चढ़ाने की, दिया भी सब तैयार हो रहा है। और हमारा भोग जिसमें बने आज साबूदाना का वड़ा और ये मूंगफली टमाटर की चटनी। तो ये रहे वड़े,
तो साबुदाना वड़ा के बाद सबको फिर से भूख लग गई, तो मैंने यहाँ पे बनाया समा के चावल प्लस आलू टमाटर की सब्जी, बहुत नॉर्मल सी बनाई थी तो उसका मैंने रेसिपी नहीं डाल रही हूँ। और पता है वीडियो बहुत लंबा हो जाता है यार, 29-30 मिनट का कौन ही व्लॉग देखेगा, इसलिए मैं झटपट बना देती हूँ। पर आलू की सब्जी की रेसिपी मैं अगले व्लॉग में ज़रूर दूंगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं समा के चावल की दी हूँ, तो सरसों के तेल में हल्का सा जीरा डाला, उसके बाद जितना समा का चावल है उससे डबल पानी जाएगा, मतलब अगर आपके पास एक डब्बा चावल है तो 2 डब्बा पानी जाएगा, उसमें डाला। उसके बाद थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया और उसको अच्छे से नीचे से एकदम बेस से हमने चलाया, और चलाने के बाद इसको ढक देना है प्रॉपर, और थोड़ा सा फ्लेम को ना कम रखना है। और जैसे ही सारा पानी जो है वो सूख जाएगा, तो आप ना ऐसे थोड़ा सा समा का चावल उंगली पे लेके देखना, अगर वो अच्छे से मैश हो जा रहा है ना तो इसका मतलब आपका समा का चावल रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया थोड़ा सा, क्या कहते हैं, थोड़ा सा नहीं मतलब ज़्यादा सा, मैंने यहाँ पे बनाया था आलू की सब्ज़ी। और मेरी दीदी ने मुझे से कुछ बनवाए थे, क्या कहते हैं, आलू होते हैं ना सूखे फ्राई जो धनिया वनिया डाल के होते हैं, वो भी मैंने बना दिया था। फिर आलू की सब्ज़ी भी बनाया, ऑलमोस्ट मैंने सारा खाना पीना बना दिया था। बस दीदी जो है मम्मी के लिए थोड़ी सी रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि मम्मी तो समा के चावल खाएंगी नहीं। और इसमें डाल दिया अच्छे से तरी, क्योंकि हमें चावलों के साथ खाना था, और जैसे ही उबल जाएगा फिर हमारा डिनर भी रेडी है। और यहाँ पे मेरे पापा सामने बैठे थे तो मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, फटाफट से अपना मैंने डिनर किया। समा के चावल थे, सब्जी थी, बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या ही करूँ, तो व्लॉग एंड कर देते। 8 दिन ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक ले स्टे विद मी स्टे विद के पिछला व्लॉग्स। जय माता दी, मिलते हैं अगले व्लॉग्स में।